समेत शिखर जैन तीर्थ को पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने के विरोध में सकल जैन समाज द्वारा रानीपुरा स्थित वासुपूज्य मंदिर से विरोध रैली निकालकर झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जैन समाज के श्रावक श्राविका बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अनुशासन तरीके से रैली के रूप में चल रहे थे। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई नगर परिषद चौराहे पर पहुंची। वहां पर एक सभा को जैन श्रावक व अशोक भंडारी, नंदन राज जैन, डॉक्टर सुनील चोपड़ा, अनिल देसल्ला, अभिषेक जैन, नगर परिषद अध्यक्ष ममता जैन ने संबोधित करते हुए केंद्र और झारखंड सरकार से सम्मेत शिखर तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करने की मांग की। संचालन शैलेश आंचलिया ने किया, वहीं ज्ञापन का वाचन राहुल पारिक ने किया है। ज्ञापन वाचन के पश्चात SDM मनीषा वास्कले को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान धर्मचंद जैन, सुभाष चत्तर, संजय सिंदूरकिया, पारस देसल्ला, राहुल राका, अंकित भंडारी व बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थी। 1, 2, 3 यस। किस उद्देश्य को लेकर आपने ज्ञापन दिया है आज? सम्मेत शिखर जी तीर्थ जो 20-20 तीर्थंकरों की पवित्र भूमि है, उस पवित्र भूमि पर वर्षों से जैन समाज अपनी आराधना पूजा और अनुष्ठान करते आ रहा है, किंतु वहाँ की राज्य सरकार द्वारा उसके पर्वत के कुछ भाग को पर्यटन स्थल बनाकर वहाँ पर अनैतिक गतिविधियों का संचालन होगा। इस पवित्र भूमि पर किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियाँ नहीं होवे, इस को लेकर पूरा भारत का जैन समाज इसका विरोध कर रहा है। उसी कड़ी में पूरे भारत के जैन समाज के साथ साथ आलोट का सकल जैन समाज आज इस अनैतिक कार्य का और अन्य निर्माण कार्य का जो राज्य सरकार द्वारा वहाँ पर किया जा रहा है और जो भारत सरकार द्वारा उसकी जो मंजूरी दी जा रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और किस उद्देश्य को लेकर आज ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा? जैन समाज अहिंसा का प्रतीक है और जैन समाज का सबसे महान तीर्थ सम्मेत शिखर जी, जिस पर झारखंड सरकार द्वारा वन विभाग के माध्यम से पर्यटक स्थल घोषित करने का जो प्रयास किया है, जो अधिसूचना जारी की है, पूरे भारतवर्ष का जैन समाज आक्रोशित है। मैं जैन समाज के द्वारा झारखंड सरकार द्वारा जो प्रकाशित बजट है उसमें कुछ आपत्तियां हैं, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। तो ये राष्ट्रपति महोदय को जिस भावना से जैन समाज ने मुझे दिया है, उसी भावना से मैं आगे इसको पहुँचा।